नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे मिर्ची के टिपोरे। मिर्ची के टिपोरे एक ऐसी डिश है जिससे खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। आप रोटी, पराठे, पूरी सभी के साथ इन्हें खा सकते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं और कम चीज़ों में बन जाते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची के टिपोरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 मिर्ची को धोकर सुखा लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और अब कटी हुई मिर्ची को तेल में डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट बाद इसमें 1/2 टीस्पून दरदरी सौंफ डालेंगे और ढककर पकाएंगे। ऐसे करके हमें 3 मिनट तक इसे पकाना है। मिर्ची को पूरे टाइम लो फ्लेम पर पकाना है। 3 मिनट हो गए हैं, मिर्ची पककर तैयार है और गैस बंद कर देंगे और 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। मिक्स करेंगे। मिर्ची के टिपोरे बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।